नमस्ते दोस्तों, कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली आने वाली है तो हर कोई चाहता है कि हम अपने परिवार को घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयाँ खिलाएं, क्योंकि बाजार की मिठाइयों में अक्सर करके मिलावट का डर रहता है। तो आज की मेरी रेसिपी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आज हम ताजे नारियल से मिठाई बनाएंगे और इसको सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार करेंगे, और इसको बनाते समय हम घी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी ये मिठाई की रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पानी वाला नारियल, जिसमें पानी होता है, जिसे हम हरा नारियल कहते हैं। तो इसको अब हम छील लेते हैं। तो ये देखिए, नारियल के ऊपर जो हार्ड कवरिंग थी वो हमने निकाल दी है। इस तरह से ये फ्रेश नारियल हमारा निकल आया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये नारियल है, जो इसके पीसेज हैं, ऊपर से जो इसका ये ब्राउन पोर्शन है, इसको हम इस तरह से नाइफ से अलग कर लेंगे। आसानी से हो जाता है। ये देखिए, तो इसी तरह से हम अपना पूरा नारियल छील के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, नारियल हमने इस तरह से छील के तैयार कर लिया है। इसके ऊपर जो ब्राउन कवरिंग थी वो हमने निकाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें ये गंदा दिखाई दे रहा है, तो पहले हम सारे नारियल को एक बार धो लेते हैं। तो नारियल हमने धो के तैयार कर लिया है। तो अब हमने ले ली है एक बड़ी प्लेट और ले लिया है हमने कद्दूकस। तो अब हम इस नारियल को कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि आसानी से बारीक हो जाएगा। अगर हम इसके पीस करके मिक्सी में डालेंगे तो अच्छे से बारीक नहीं हो पाता है। तो पहले हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए, नारियल हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। लेकिन अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि बड़े बड़े रेशे दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी स्टेज पर हम इसके लड्डू बनाएंगे तो वो जब आप खाएंगे तो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लंबे लंबे ये रेशे आपके मुंह में आएंगे बार बार। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम बारीक करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सी जार, और जो ये नारियल हमने कद्दूकस करके तैयार किया है, इसको दो बार में हम मिक्सी में डाल के थोड़ी देर के लिए चला देंगे, जिससे कि एकदम ये बारीक हो जाएगा। तो एक बार में मैं आधा ले रही हूँ, आधा मैं बाद में इसको चलाऊँगी। अब हम मिक्सी को 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे। तो ये देखिए, मिक्सी में चलाने के बाद नारियल अब बारीक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से है, अच्छे से बारीक हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसी तरह से जो आधा नारियल बचा हुआ है उसको भी हम कुछ देर के लिए मिक्सी में चला देंगे। देखिए, हमारा नारियल का बुरादा भी बनके तैयार हो गया है। इस कप के साइज़ से हम देखें तो ये 2 कप है नारियल का बुरादा, तो उसका जस्ट हाफ यहाँ पर मैंने चीनी ली है। मीठे का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 2 मैंने हरी इलायची ली थी, उनको क्रश कर लिया है। तो सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों से आज हम इस मिठाई को तैयार करेंगे। गैस पे हमने पैन रख लिया है। आप जो भी बर्तन लें वो भारी तले वाला लें, ये आपको ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं नारियल का बुरादा, और उसी के साथ में हम डाल देंगे चीनी। दोनों चीज़ें हमें एक साथ ही डालनी हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम हम लो और मीडियम ही रखेंगे, और इसको हम बराबर से तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये चीनी घुल न जाए। पलटते रहेंगे चारों साइड से। तो ये देखिए, हल्की सी चीनी जो है वो घुलने लगी है। तो आप इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देखेंगे कि किस तरह से हो गया है, इसमें मॉइस्चर हमें दिखने लगा है। गैस की फ्लेम हमने लो और मीडियम ही रखी है। बराबर से हम इसको चला रहे हैं, चलाना हमने बंद नहीं किया है। तले में से लेते हुए और किनारों से लेते हुए हम इसको पलटते रहेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से न घुल जाए। तो ये देखिए, लगभग 5 से 6 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि चीनी जो है पूरी तरह से घुल गई है, और जो ये लड्डू का मिक्सचर है ये किस तरह से हो गया है।
तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और इसको बराबर से चलाते हुए अब हम कुक करेंगे। और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश की हुई हरी इलायची, मिक्स कर लेंगे। हमें चलाना बिल्कुल नहीं बंद करना है, बराबर से चलाते हुए हमें इसे कुक करना है। और इसको बनाते समय हमें भारी तले वाले बर्तन का ही यूज़ करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप हल्के तले वाला बर्तन लेंगे तो वो तले में चिपकने लगेगा या जलने लगेगा, तो आपके लड्डू का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ये मिक्सचर है ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। हाथ को पहले थोड़ा सा हम पानी में इस तरह से डिप कर लेंगे जिससे कि हाथ हमारे जले नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर हम एक बाउल में लेंगे और इस तरह से इसको इकट्ठा करके देखेंगे कि इसकी बॉल बन रही है या नहीं। ये देखिए बॉल बन तो रही है लेकिन अच्छे से नहीं बन रही है। तो अभी हम इसको एक मिनट और कुक कर लेते हैं। ये देखिए अब हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिक्सचर ले लिया है, इस तरह से उंगलियों को हम हल्का सा पानी में डिप कर लेंगे और इस तरह से हम इकट्ठा करके देखेंगे। ये देखिए अच्छे से इकट्ठा हो रहा है। अब ये दोनों हाथों से आपको करके दिखाती हूँ, इस तरह से हाथ पे रख के हल्के हाथ से हम इसको गोल करेंगे तो ये आसानी से गोल हो रहा है। तो यानी जो लड्डू का मिक्सचर है ये परफेक्ट है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लड्डू के मिक्सचर को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में हमने पानी ले लिया है तो इस तरह से हाथ पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्पून ले ली है जिससे कि एक साइज़ के लड्डू बनेंगे। अब हम इस तरह से दबाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। मिक्सचर काफ़ी गर्म है तो आपको ध्यान से ही बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है। इसको प्लेट में रख लेते हैं। जहाँ आपको लगे कि मिक्सचर हाथ में बहुत गर्म लग रहा है तो आप हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा लें। तो ये देखिए हमने दूसरा लड्डू भी बना के तैयार कर लिया। तो इसी तरह से अब हम अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। इस मिक्सचर को हमें ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए हमारे नारियल के बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार हैं, आसानी से बन जाते हैं। आज मैंने इनको सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया है और इनको बनाते समय मैंने घी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो दीपावली आने वाली है, आप फटाफट से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।